सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। घर से निकली लड़की नहीं लौटी वापस, 6 दिन बाद नहर में मिली लाश। नई दिल्ली गाजियाबाद मोदी नगर इलाके में गंगा नहर से एक युवती की लाश मिली है। युवती बीते 3 मार्च से लापता थी। शव पर चोट के कई निशान है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी किसी निजी कंपनी में काम करती थी। 3 मार्च को वो अपनी सहेलियों के साथ घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी बेटी की बरामदगी में खासी ढिलाई बरती। पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। वही इस मामले में पुलिस का पक्ष परिजनों की शिकायत से अलग दिखता है। एसपी देहात नीरज कुमार का कहना है कि युवती 3 मार्च को लापता हुई, लेकिन परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 दिन बाद यानी 6 मार्च को दर्ज करवाई। एसपी नीरज कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सरगमी से उसकी तलाश की, लेकिन 9 मार्च को उसकी लाश गंगा नहर में मिली। नीरज कुमार ने आगे कहा कि लड़की किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करती थी, लेकिन 15 दिन पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। वो कोई दूसरी नौकरी तलाश रही थी और तनाव में थी। मामला काफी संदिग्ध है। पुलिस सारे एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। हमारे न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हमें सिंधी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।